नमस्कार दी, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ब्यूटी स्पिरिचुअल पर। जैसे कि आप सबको पता है कि महाशिवरात्रि का पावन पर्व है 11 तारीख को, तो आप सबके लिए मुझे इंट्यूशंस आ रहे थे थोड़ी देर पहले से, तो मैं आप लोगों के लिए भोले बाबा माता पार्वती जी का जो संदेश है, भगवान का जो संदेश है, आशीर्वाद है, वो मैं बना रही हूँ। आप बिल्कुल देख सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हम सब बहुत ज़्यादा मानते हैं, आप लोग भी बहुत मानते हैं। आप लोग बिल्कुल, आप लोगों के लिए मैं प्रेयर भी सेंड कर रही हूँ, आप लोग बिल्कुल ले लें। अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग, तो आप अच्छे से आंखें बंद करके प्रणाम कर सकते हैं और मन में आप बिल्कुल स्मरण कर सकते हैं भोले बाबा माता पार्वती जी का। तो हम आपके लिए कार्ड लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के लिए कार्ड आया है द सोर्स का। तो बिल्कुल कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के लिए बिल्कुल आ सकती हैं, और ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे, आप चाहे अभी देखें, चाहे आप मंडे को देखें, चाहे आप मतलब नेक्स्ट ईयर तक, जब भी आप देखते हैं, टाइमलेस रीडिंग है। तो द सोर्स का कार्ड बिल्कुल ऐसा समझ में आ रहा है, किसी के पर्सनल लाइफ में या किसी के प्रोफेशनल लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान या कुछ ना कुछ ऐसी गुड न्यूज़ बिल्कुल आने वाली है। तो मुझे ये इंट्यूशंस आ रहे हैं, और ये जो भी इंसान रहेंगे वो मुझे ऐसा लग रहा है कि फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व वाले व्यक्ति वो रह सकते हैं आपके लाइफ में, जो काफ़ी पॉजिटिव आपको कुछ ना कुछ एक अच्छी एडवाइस आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। ये अभी 11 तारीख के बाद से कहीं ना कहीं मुझे ऐसे इंट्यूशंस आ रहे हैं, किसी ना किसी के लिए बहुत ज़्यादा है ये। या तो आप किसी जॉब का वेट कर रहे हैं, किसी अच्छे जॉब का, तो वो भी आपको ये इंसान जो है कहीं ना कहीं आपको ये जो वो कोई भी हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके फैमिली मेंबर में से भी कोई काफ़ी, जिसको आप बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं, जिसका वो भी हो सकते हैं, आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कोई वेल विशर हो सकते हैं, या आपके आप जहाँ पर अभी जॉब करते हैं आप वहाँ के कोई बहुत अच्छे आपके मित्र या आपके बॉस भी हो सकते हैं, जो आपको कुछ अच्छी एडवाइस भी दे सकते हैं, कुछ अच्छे मैसेज, जो आपके लाइफ के लिए काफ़ी एक न्यू बिगनिंग, एक टर्निंग पॉइंट कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं बिल्कुल साबित होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ जो लोग भी देख रहे हैं उनमें अगर जो महिलाएं हैं वो भी किसी न किसी गुड न्यूज़ को बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रही हैं। जो महिलाएं मैरिड हैं तो वो बिल्कुल उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा गुड न्यूज़ आ सकता है, चाहे वो उनके पर्सनल लाइफ से। अब आप समझ सकते हैं कि अगर आप महिला हैं तो आप जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं चाइल्ड के लिए या कुछ भी, कि आप अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छे से रहें, आपका आपके हस्बैंड के साथ, आपका आपके फैमिली के साथ बहुत अच्छा मतलब एक रिलेशन रहे, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है बहुत अच्छे कार्ड क्योंकि आए हैं। आप में से बहुत सारी जो महिलाएं हैं, जो गर्ल्स हैं, वो काफ़ी पेशेंस, काफ़ी धैर्य के साथ जो रहती हैं, बिल्कुल उनके लिए ये इंट्यूशंस आ रहे हैं कि आप लोगों ने बहुत समय तक या हो सकता है काफ़ी समय तक इस दिन का इंतज़ार किया है। किसी के लिए मुझे लग रहा है, अभी मुझे इंट्यूशंस आए, किसी कोई अपनी जो अनमैरिड हैं वो अपने मैरिज के लिए काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, तो उनके लिए भी कुछ गुड न्यूज आते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल आप देख सकते हैं अबंडेंस, तो ये सारी जो चीजें हैं, जितना भी, जैसे कि मैंने कहा, ये एक ग्रुप वालों के लिए कि किसी सोर्स के द्वारा आपको अच्छी चीजों का ज्ञान होगा वो, और आपके पास कुछ अच्छी नॉलेज भी आ सकती है। और जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ अच्छा, आप जो एग्ज़ाम दिलाए हैं, हो सकता है कि कुछ लोग जो कंपटीशन एग्ज़ाम दिलाए हैं उनका आपका रिजल्ट भी आप वेट कर रहे हैं, वो भी इस बीच में काफ़ी अच्छा
बिल्कुल पॉजिटिव भी मुझे नज़र आ रहा है कि वो रिजल्ट आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। और प्रोफेशनल लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा जिनके लाइफ में, जिनके प्रोफेशनल लाइफ में जो उतार चढ़ाव चल रहा था, कभी बहुत ज़्यादा अच्छा आपका बिजनेस चलता था, कभी बहुत ज़्यादा, तो अब वो एक बैलेंस में, एक अबंडन की स्थिति में बिल्कुल मुझे नज़र आ रहा है। तो आप लोगों के लिए इतने ज़्यादा अच्छे कार्ड्स आए हैं, आप लोगों के लिए बहुत सारे, आप बिल्कुल देख सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गर्ल्स जो अभी मैरिज के लिए मतलब सोच रही हैं, जो अनमैरिड है, उनको थोड़ा सा धैर्य बना के रखने की आवश्यकता है। मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी वो बहुत पहले से ही मतलब बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रही हैं किसी के लिए, ये किसी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सबके लिए नहीं है, किसी के लिए ऐसा है कि वो ये सोच रही है कि मुझे इस व्यक्ति से मैरिज करना चाहिए या नहीं, या उनकी फैमिली वाले उनको पसंद करेंगे कि नहीं। तो ये भी आपके सवालों के जवाब आपको प्राप्त होंगे अब, क्योंकि आप लोग, ये तीनों जो ग्रुप है आप लोगों के लिए, मुझे ऐसे इंट्यूशंस आ रहे हैं कि आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, तो आपके सवालों के जवाब मार्गदर्शन के रूप में हम बिल्कुल लेंगे आप लोगों के लिए एक कार्ड। बिल्कुल आप लोगों के लिए मार्गदर्शन आया है। आप, जैसे कि मैंने कहा कि आपको किसी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जितने भी ग्रुप वाले हैं, तीन ग्रुप, आप सभी के लिए कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा संदेश या कोई ऐसा किताब, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग कुछ अच्छे बुक, चाहे वो धार्मिक बुक हो आपके, चाहे वो कुछ मोटिवेशनल बुक हो, आप बिल्कुल रीड करेंगे और उससे, उसमें से आपको कुछ अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। आपके लिए बिल्कुल मैसेज है जीवन की पुस्तक, जिंदगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, मात्र अच्छे अध्याय आना निश्चित नहीं है। तो बिल्कुल जैसे कि मैंने कहा कि थोड़े से उतार चढ़ाव हैं, जैसे कि कहा कि थोड़े से आप पेशेंस, आप धैर्य के साथ बहुत टाइम से चल रहे हैं, अब आपके लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है सभी ग्रुप वालों के लिए। बिल्कुल ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये भगवान की कृपा है और बिल्कुल भगवान का संदेश है आपके लिए कि आप बिल्कुल धैर्य बनाकर रखिए और बहुत ही सोच विचार कर कार्य करें। और किसी के एडवाइस लेकर आप कार्य करेंगे तो उस कार्य में आपको और भी ज़्यादा अबंडन, और भी ज़्यादा सफलता प्राप्त होगी। अब हम आपके लिए एक कार्ड लेंगे जिसमें कहीं ना कहीं एक मेजर चेंज, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, तो कभी भी किसी भी समय में आप ये देखेंगे आपके साथ ये रेजोनेट हो सकती है। बहुत सारे आप लोग देख रहे हैं कि काफी पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं और इसको भी आप बिल्कुल पॉजिटिव कार्ड के रूप में ही मैं लेती हूँ कि द टावर, कुछ ऐसी सोच, कुछ ऐसी चीज जिसको नकारात्मक सोच, जिसको कहते हैं कि ये काम मेरा नहीं होगा, या क्या मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगी, क्या मेरे लाइफ में कोई अच्छा इंसान नहीं आएगा, क्या मुझे ये जॉब नहीं मिलेगा, ये जो निगेटिव सोच है उस पर टावर मूवमेंट आएगा। बिल्कुल आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। ये जो आपकी निगेटिव सोच है उस पर टावर मूवमेंट का मुझे बिल्कुल समझ में आ रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों की एक न्यू बिगनिंग होगी, आपके पर्सनल लाइफ में भी, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी, बहुत अच्छा आप लोगों के लिए संदेश है। तो ये छोटी सी रीडिंग भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से लेकर आई हूँ, मैं नहीं लाई हूँ, उनकी कृपा से ही है। तो आप लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छी लगी, मैं भी स्वयं भी इसे अपने लिए गाइडेंस के रूप में बिल्कुल लूँगी। महाशिवरात्रि के दिन आप लोग, शिव परिवार जी की कृपा आप लोगों के ऊपर, हम सब के ऊपर बनी रहे। और बिल्कुल आप में से जितने भी लोग पूजन करते हैं बिल्कुल करें, मंदिर जाएं और शिव परिवार जी का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। आप सभी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक बधाई, आपके पूरे परिवार को। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ओम साईं राम।